दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। पानी देखो भाई साहब कितना भरा पड़ा है, ये देखो उस साइड कितना ज़्यादा, ये देखो कितना उछल रहा है पानी, ये देखो। तो भाई ऐसे में जो गाड़ी चलाना है ना, एक सीरियसली बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और इसमें ना ख़ास तौर से मैं जो नए ड्राइवर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो, अगर कभी भी आपको पहले तो अगर रास्ता नोन नहीं है ना, गाड़ी हमेशा स्लो स्पीड पे लेके जाओ, ठीक है? स्लो स्पीड पे लेके जाने पे भी आपको जो गियर है ना वो रखना है मिनिमम, या तो फर्स्ट में निकालो या सेकेंड में निकालो। क्योंकि क्या होगा, अगर आपका गियर ज़्यादा होगा, मतलब हाई गियर में चलाओगे और RPM लो होंगे, पॉसिबिलिटी है कि आपकी गाड़ी जो है इंजन जो है बंद पड़ जाए। और अगर इंजन बंद पड़ गया तो फिर आपको हो जाएगी तकलीफ, ठीक है? कई बार क्योंकि गाड़ी अगर पुरानी हुई, और भाई गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हुई तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और अगर नए ड्राइवर हैं भाई, उनके लिए समस्या ये आ जाएगी कि वो होपलेस हो जाएंगे कि गाड़ी कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले गाड़ी का जो गियर है वो फर्स्ट या सेकेंड में चलाएँ, ताकि आपकी स्पीड जो है वो कंट्रोल में रहे। अगर रास्ता नॉन है आपका तो ठीक है, आपको पता है कहाँ गड्ढे होते हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो आप अपनी स्पीड और गियर मेंटेन कर सकते हो। बट अगर आपको रास्ता नहीं पता, आपको बिल्कुल सड़क का अंदाज़ा नहीं है, तो धीरे धीरे चलें और कोशिश करें कि सड़क जैसे इस स्लोप में होती है, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि आपकी जो गाड़ी है ना वो हमेशा बिल्कुल राइट में रहे, क्योंकि जो पानी होगा वो हमेशा नीचे ढलान की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ भरेगा, ठीक है? तो आपको जो रास्ता होगा वो ज़्यादा विजिबल होगा। देखो वहाँ आप देखो, कोशिश करो कि वहाँ पानी कितना भरा पड़ा है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्लोप जो है वो हमेशा ऐसा होता है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा दबा हुआ होता है, ठीक है? इस तरीके से अगर जैसे ट्रक्स वगैरह खड़े हैं या बसेस वगैरह खड़ी हैं, कोशिश करो धीरे से निकालो, हॉर्न मार के निकालो। क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना भाई, बारिश में हमेशा जो होता है ना बहुत ज़्यादा शोर होता है, अंदाज़ा नहीं होता, आइडिया नहीं हो पाता, ठीक है? और मैं कई बार बता चुका हूँ कि अपने इंडिकेटर का प्रॉपर यूज़ करो, आपके जो वाइपर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, राइट? यार देखो क्या है ना, सड़कें देखो पूरी की पूरी लबालब भर जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो सफाई होती है ना वो तो भाई देखो साल दो साल में एक ही बार होती है, और वो तब कब आदमी करता है आके, कब जागरूक होता है, जब पता लगता है पानी पूरा भर गया, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे पतझड़ वगैरह मौसम होता है तो साफ़ सफाई नहीं होती है, पत्ते वगैरह जो होते हैं पूरे ड्रेन सिस्टम में भर जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को कुछ जाके आइडिया आता है कि हाँ यहाँ पानी भर गया भाई, अब इसको क्लीन करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो जो मानसून का मौसम है ना, जो रेनी डे, जो बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा कॉशियस होता है। हमेशा कोशिश करो कि गाड़ी जो है संभल के चलाओ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इस चीज़ में देखो ऐसे मौसम में एक तो ब्रेक भी आपके बहुत कम लगते हैं, ठीक है? अंदाज़ा नहीं होता है, पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, जैसे सर्किल वगैरह आता है इस पर बिल्कुल कोशिश करो आप आराम से चलाओ, जल्दीबाजी मत करो, सोचो मत कि यार मुझे गाड़ी पहले निकालनी है, मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ, या ई रिक्शा वगैरह जा रही है या कुछ भी जा रही है। कोशिश करो कि आप जो है अपने हिसाब से जो ड्राइव करें, अगल बगल वालों को जाने दें, ठीक है? इस टाइम पे पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या होती है भाई, टू व्हीलर्स वालों के लिए दिक्कत होती है, सीरियसली होती है। क्योंकि कब पता, गाड़ी में तो आप सेफ हो, गाड़ी में गड्ढा आता है आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाइक में अगर कोई गड्ढा आ गया, कोई चैम्बर वगैरह आ गया, तो भाई उसके बेचारे के चोट लगने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे में इनको बाइक वालों को पॉक कम करो, हॉर्न वगैरह कम मारो, इनको परेशान आप थोड़ा सा कम करो, ठीक है? ये देखो जैसे कि अब वहाँ देखो, हमेशा जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में हमेशा आपको पानी ज़्यादा भरा हुआ मिलेगा। देखो जैसे उसी साइड वहाँ लेफ्ट साइड में, और इस साइड यहाँ लेफ्ट साइड में, राइट? डिस्टेंस मेंटेन करके चलो थोड़ा सा, क्योंकि इस टाइम पे ब्रेक आपको पता है हमेशा कम में आपको जो है लगते हुए मिलेंगे। बरसात में ना गाड़ी तो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है ना कि आप जो बरसात है वो ख़त्म हो गई है, या बारिश अब नहीं हो रही, जैसे आपकी गाड़ी है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, हमको तो लगता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा सुपर क्लीन है, सुपर क्लीन हो गई हमारी बारिश के पानी में, राइट? लेकिन वो देखो भाई साहब कितना पानी भरा पड़ा वहाँ पे। लेकिन आपको करना क्या है, कभी भी बरसात के बाद अपनी गाड़ी को एक बार क्लीनिंग जरूर करवा लेना। क्योंकि क्या होगा, बाहर से तो आपको चमचमाती मिलेगी, लेकिन अंडर बॉडी इतना ज़्यादा कीचड़, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी जब चिपकती है, वो जो धूल मिट्टी पड़ी होती है वही गीली होती है, वही आपकी गाड़ी पर जो है लगती है, और वो फिर बाद में रीज़न बनता है अंडर बॉडी में रस्टिंग आने का, राइट? तो इट्स बेटर कि आप अपनी गाड़ी को जो है जब मानसून ख़त्म हो जाए, या आपको पता है कि दो चार दिन बाद ही या बारिश होने वाली है या कुछ है, तो गाड़ी को क्लीन आप एक बार जरूर कर लें, राइट? ये क्या दिक्कत हो गई, ये देखो पानी भरने के कारण देखो क्या इतनी बड़ी समस्या आती है, कि कहाँ पे पानी है, कितना भरा है, देखो गड्ढे वगैरह हैं, कुछ पता नहीं लगेंगे इस टाइम पे, कितनी ज़्यादा स्लो स्पीड हो चुकी है गाड़ी की। आप गाड़ी में बैठे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि गाड़ी को थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपनी गाड़ी को चलाओ।
भगाने से बेटर है आराम आराम से अपनी गाड़ी चलाओ, राइट। अभी देखो सामने गड्ढा आएगा, कभी भी आप अगर आगे गाड़ी लेके चल रहे हो ना, अभी देखो जैसे ये गाड़ी में आपने देखा ये सामने गड्ढा आया, तो हमेशा आगे वाली गाड़ी से भी आप जजमेंट लो कि गाड़ी सामने वाली गड्ढे में कितना जा रही है, राइट। तो उससे भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। ये सबसे बढ़िया टेक्निक होती है बरसात में गाड़ी चलाने की, कि सामने वाली गाड़ी को थोड़ा सा जज करो कि भाई कहाँ गड्ढे हैं, कैसे है, क्या हिसाब किताब है, राइट। हमेशा रेनी सीजन के अंदर अपनी गाड़ी को केयरफुली ड्राइव करें। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो का लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।